हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने पहनी है साड़ी, जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है। मन तो करता है साड़ी पहनने का, लेकिन साड़ी पहन के ना काम नहीं हो पाता है मुझसे, तो इस वजह से मैं बहुत ही कम साड़ी पहनती हूँ, और गर्मियों में भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और पहले मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने कर ली है यहाँ पे बेडशीट चेंज। और ये बेडशीट बहुत पुरानी है, मतलब बहुत भी नहीं, लेकिन हाँ 5-6 साल तो इसको हो ही गए होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा जो इसका कलर है वो डल हो गया है, लेकिन तब भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। तो यहाँ पे ना फ्रिज जो है, इसको थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है। डीप क्लीन तो नहीं करूँगी, वैसे क्लीन ही था, लेकिन थोड़ा जो ये सामान था ना, ये इधर उधर हो रखा था, तो मैंने सोचा कि सामान सेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ। और इसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा वेनेगर लिया है, तो वेनेगर से मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। और ये जो सामान है ना, इसी को बस मुझे ठीक से लगाना था इसमें, और बाहर से मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट किया था और ये बर्तन रह गए थे धुलने को, तो फटाफट से इनको भी धो लेती हूँ। और सुबह के टाइम पे तो बस वही एक के बाद एक काम निकल आता है, एक काम निपटाओ तो दूसरा काम रेडी रहता है करने को। तो बस मैं एक एक करके अपने सारे काम निपटाती जाती हूँ, और सुबह बस वही है, ब्रेकफास्ट बनाओ, बर्तन वगैरह धोने, कपड़े धोने, बच्चों को मतलब साँचे को स्कूल छोड़ना होता है, तो बस यही सब होता है क्लीनिंग का ही। और ये देखिए, किचन साफ़ कर ली है। वैसे मैंने किचन पहले ही साफ़ कर ली थी, बस बर्तन ही रह गए थे धुलने को। और अब घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी देना होता है, तो थोड़ा खुद को भी मतलब सजाना संवारना होता है, तो बस वही। तो आज थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था हल्का सा मेकअप करने का, ज़्यादा नहीं, और लिपस्टिक भी लगानी है मुझे, लेकिन लिपस्टिक मैं डेली नहीं लगाती हूँ, कभी मन कर गया तो फिर लगा लेती हूँ। तो आज मेरा मन हो रहा था थोड़े अच्छे से तैयार होने का, और जिस दिन पानी आता है उस दिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बाकी तो फिर उतना नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन पानी आता है उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि पानी वगैरह भरना होता है, पानी पलटना वगैरह होता है। तो बस वही है, आज भी पानी आएगा शाम को। और आज धूप भी थोड़ी तेज़ ही लग रही है, छत पर गई थी मैं कपड़े डालने के लिए, तो तेज़ धूप निकली हुई है आज। और बाल बना लेती हूँ यहाँ पे, तो वैसे मैंने कपड़े धो के पहले ही फैला लिए थे, तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी है, अभी आपके साथ में शेयर करी है ना, तो बेडशीट वगैरह फिर धुलने को हो गई है दोबारा से। तो कपड़े मैं भिगो लूँगी दोबारा, और शाम को जब पानी आएगा ना तब धो के डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम भिगोए हैं, और वैसे तो डेली भिगोने होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो कल नहीं भिगोए थे तो आज भिगो लिए हैं। और यहाँ पे ये दाल है, धुली हुई उड़द दाल, तो इसको भिगो लेती हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि दही भल्ले बनाऊँगी, तो कल बनाऊंगी, अभी भिगो लेती हूँ। और कल यानी कि संडे था, तो संडे को मैंने बनाया आलू की टिक्की, और जब बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं, क्योंकि आलू की टिक्की ना मैंने पहली बार ही बनाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी, और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे, लेकिन दही भल्ले बनाऊंगी ना तो फिर शेयर करूंगी, और फिर कभी बनाऊंगी दोबारा आलू की टिक्की तो आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ में शेयर करा था कि मैंने चटनी बनाई थी इमली की भी और हरी चटनी भी आम की।
और बच्चों को भी ना आलू की टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जैसे कि मैंने कहा कि कल संडे था, आज मंडे है, तो ये व्लॉग देखते हैं कि आज पोस्ट हो पाता है या कल ट्यूसडे को। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आज ही ये ब्लॉग आपके साथ में शेयर हो जाए, अगर नहीं हो पाए तो फिर ट्यूसडे को ये ब्लॉग आपके साथ में शेयर होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आज पानी आना है, तो ये जो मटका था इसमें थोड़ा सा पानी था, तो ये मैंने पलट लिया है, और ये जो फ़िल्टर किया हुआ पानी है ये मैंने मटके में डाल लिया है। और अभी ना हम फ्रिज में बिल्कुल भी पानी नहीं रख रहे हैं, मटके का ही पानी पी रहे हैं। और सच में मटके का पानी भी ना इतना ठंडा है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा। और फ्रिज का पानी वैसे पीना नहीं चाहिए। तो ये मटका मैंने पहले आपके साथ में शेयर किया होगा जब मैं मटका लेकर आई थी, तो अब इसी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन और दिन ना इस टाइम पे काफ़ी गर्मी पड़ जाती थी, तो फिर मैं फ्रिज में ही पानी रख लेती थी। लेकिन इस बार फ्रिज में एक भी बोतल नहीं रखी है, मटके का ही पानी है, और कोई भी आता है तो मटके का पानी ही देती हूँ मैं पीने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी टाइम 1:15 हो रहे हैं, लंच का टाइम है, मतलब लंच बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए, अपने लिए, और फिर सांची को लेने जाना है स्कूल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सांची को लेने जाती हूँ, और हमेशा से पूछा कि वो लंच में क्या खाएगी, तो वो कह रही थी कि वो दाल चावल खाएगी, लेकिन मेरा दाल चावल खाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आलू के परांठे बना लूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं आलू। और बच्चे ना आलू का जो परांठा बनता है उसको सुनकर, मतलब आलू के परांठे सुनकर वो खुश हो जाते हैं, और मैं भी, क्योंकि आलू के परांठे बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं दही के साथ में, और हमारे घर में तो अचार के साथ में कोई नहीं खाता है परांठे। समीक्षा, सांची, मैं दही के साथ में ही खाते हैं, और हस्बैंड को, उनको तो दही के साथ में भी पसंद नहीं है ना ही अचार के साथ में, तो उनको ना बटर वगैरह होता है ना, तो बटर के साथ में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं छुट्टी वाले दिन नहीं बनाती हूँ, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तब मैं दाल चावल ही बनाती हूँ। लेकिन जैसे कि जब बच्चे रहते हैं घर में या मैं हूँ, तो फिर मैं, हम तीनों के लिए आलू के परांठे बना लेते हैं। तो चलिए फिर, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करी हुई है, तो अभी पहले मैं आलू उबालने के लिए रख लूँगी। और ये देखिए, ये सारा सामान मैंने रखा है, तो पहले मैं आलू उबाल लेती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे का व्लॉग। तो साइड में मैं आलू उबालने को रख लेती हूँ, आलू उबल जाएंगे, तब तक मैं प्याज वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मैं आलू प्याज के परांठे बनाऊँगी। प्याज भी मैं थोड़ा डाल देती हूँ, आलू के परांठों में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज काट लूँगी, और हरा धनिया लिया है मैंने, हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा अदरक लिया है। परांठे की पूरी तैयारी मैं यहाँ पे कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी सांची को लेने के लिए, और फिर आके बनाऊँगी परांठे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर मैं परांठे बनाने पे लग गई तो फिर सांची को लाने के लिए लेट हो जाएगा। और लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर उसको धूप में खड़ा रहना पड़ता है, इस वजह से वो थक जाती है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी तो कर ली है, और साथ ही साथ जो एक दो बर्तन होते जाते हैं वो मैं फिर धोती जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, चार आलू, प्याज, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा भुना जीरा, सफ़ेद नमक और काला नमक लिया है मैंने, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला, और ये सारे मैं ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी परांठे, तो काफ़ी टेस्टी परांठे बनते हैं। तो ये देखिए, मसाला बनके तैयार हो गया है आलू का, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो समीक्षा ने फटाफट से परांठे सेक लिए थे, और ये देखिए मैंने दही निकाल ली है, और दही जमाना मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे ना
मार्केट से मतलब दुकान से लेकर आना पड़ा, तो सांचे से दही मंगवाई है। और वैसे मुझे ना घर की जो खुद दही जमाते हैं ना, तो वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ये मैंने खुद ही भुना था ये वाला जीरा और पीसा था, तो थोड़ा ऊपर से ऐसे ही डाल लिया है। और ये समीक्षा ने परांठे बनाए, थोड़े करारे नहीं बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की बनाई हुई चीज़ पसंद ही आती है। तो लीजिए, आप भी खा लीजिए।